नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है जेसीपी 3DX। तो इसकी जो स्विमिंग सिलेंडर की जो ट्यूब है वो लीक हो चुकी है, वो यहाँ से लीक हुई है। तो इसके अंदर अपन ज़्यादा कौन सा बेटर रहता है कि अपन जो ट्यूब होती है वो नई डलवाएं या जो पुरानी वाली है उसमें वेल्डिंग करवा के करवाएं? तो ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है कि हम ट्यूब नहीं डाल दें, क्योंकि तो जिस ट्यूब की हम वेल्डिंग करवाते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है और फिर से वो लीक हो जाती है वेल्डिंग के आगे, और ये प्रोसेस चलती रहती है चाहे कितनी बढ़िया वेल्डिंग करवा लो। तो अगर हम वैसे 15-20 दिन तो काम निकाल देती है, पर वेल्डिंग होने के बाद में तो हमें ज़्यादा तो यही रहता है कि हमें नई ट्यूब लेनी चाहिए। और नई जो ट्यूब है उसकी प्राइस मात्र 2400 रुपये है। कंपनी की बढ़िया ट्यूब मिलती है मार्केट से, एजेंट से भी लेने जाएंगे तो हमें वही ट्यूब 15 से 20 हज़ार रुपये की मिलेगी। काम वही सेम रहता है जो यहाँ पे पीछे वाली जो वेल्डिंग आती है, यहाँ से जो ये हम ध्यान नहीं देते, जो यहाँ पे जो बुश होती हैं ये डाउन हो जाती हैं, फिर जो यहाँ पे ये यहाँ पे टिक जाती हैं, टिकने के कारण आप इसमें घिसाई के कारण ये कट जाती हैं, जिसके कारण लीकेज हो जाती है, ट्यूब पतली हो जाती है। तो हमें ज़्यादातर तो हमें ट्यूब नहीं डलवानी चाहिए, क्योंकि 2400 रुपये की है, और अगर हम रिस्क उठाते हैं तो हमारा हाइड्रोलिक उससे ज़्यादा कई गुना वेस्ट हो जाता है। और मुझे तो ये अच्छा लगता है कि हमें ट्यूब नहीं लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है।